उसमें हमारे हम ये जो हमारा बाईपास है इस साइड से वो आया था बाइक के ऊपर, और जिस तरह पुलिस आ गई ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट की जो थी वो हाई अलर्ट थी और थ्रेट्स वगैरह तो जनरेट होते रहते हैं, तो ये हमारा एरिया भी बड़ा सेंसिटिव है। तो वो आया, बंदा आया और उसने डायरेक्ट फायर किया, पुलिस के ऊपर फायर किया, और उसके बाद उसको एक दो वार्निंग दी है। पुलिस ऑलरेडी पिकेट के अंदर थी, जब उसको वार्निंग दी है उसने इसे आगे से इनको अब्यूज़ करना स्टार्ट किया, और फिर उसने फायर किया। उसके बाद फायर किया तो अपनी बॉडी को टच कर रहा था, तो उसके बाद पुलिस ने जो है फायर किया और उसको न्यूट्रलाइज किया उस बंदे को। तो उससे एक जो है असला वगैरह वो उससे बरामद हुआ है, वो हमारे साथ है, और इसमें एक जो फ्रंटियर टोल सिपाही है वो उसमें शहीद हुआ है। पुलिस को इससे पहले जो थी किसी किस्म की जो इतलात थी वो तो हमें अमूमन रूटीन में जो थ्रेट अलर्ट्स आते हैं वो थ्रेट्स आते रहते हैं, तो पुलिस ऑलरेडी एक्टिव होती है, और इस स्पेसिफिक तो हमें कुछ इस किस्म की अलर्ट नहीं था या इतला नहीं थी, लेकिन ये था कि पुलिस एक्टिव थी तो इसीलिए उसको न्यूट्रलाइज़ किया। और किसी भी बिल्डिंग के अंदर, यहाँ पे डीसी ऑफिस भी है, यहाँ पे और भी ऑफिसेज हैं, डीपीओ हाउस भी है इधर साथ, एक बच्चों का स्कूल भी है, उसको किसी भी किस्म की इंस्टॉलेशन के अंदर उसको घुसने का मौका नहीं है। पुलिस ने उससे पहले उसको न्यूट्रलाइज़ किया।